दोपहर 2 बजे गुजरात में नई सरकार शपथ लेगी। उसका शपथ समारोह है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी समारोह में शामिल होंगे। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और उसके बाद आज की तारीख तय की गई थी जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज के इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। बड़े चेहरे शामिल होंगे और साथ ही खास बात ये कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो 6 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, वीवीआईपी की लिस्ट तैयार हो चुकी है। जो वीवीआईपी शामिल हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। भव्य तैयारियां की गई हैं गुजरात में और संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है वो भी तैयार है। TV9 भारतवर्ष आपको वो लिस्ट भी बता रहा है। और सबसे खास मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे भूपेंद्र पटेल के इस शपथ ग्रहण समारोह में। ये नई सरकार है, भूपेंद्र 2.0 की सरकार है और ज्यादा चुनौतियां भी अब सामने हैं सरकार के सामने। तो भूपेंद्र पटेल ने ये ठान लिया है कि नई सरकार में जो चुनौतियां हैं उसे पाट पाएंगे और नई नीतियों को अपनाकर जनता के सामने रखेंगे। और TV9 भारतवर्ष आपको उन चेहरों के बारे में अब बताने जा रहा है जो इस नई सरकार में शामिल हो सकते हैं, इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। यह लिस्ट है पूरी। मुकेश पटेल, भीखू भाई परमार और हर्ष सांघवी जो कि पिछली सरकार में भी अहम पद पर थे, प्रफुल्ल पंसेरिया और कुंवर जी हलपति और साथ ही ऋषिकेश पटेल का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, इस लिस्ट में सामने आ रहा। आगे बढ़ते हैं, राघव जी पटेल, कानू देसाई, जगदीश पांचाल, इनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है जो हम बता रहे हैं आपको। कुंवर जी बावड़िया, बलवंत सिंह राजपूत और पुरुषोत्तम सोलंकी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। भानुबेन बावड़िया और बच्चू भाई खाबड़ का नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। ये पूरी की पूरी जानकारी हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये जो बड़े चेहरे जिनकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है जो आज शपथ लेने वाली सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे निधि के पास। चेहरे बताए लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह का समय है वो दोपहर 2 बजे का है। सबकी निगाहें यहीं पर हैं। गुजरात में भूपेंद्र सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट आपको हम बता ही रहे हैं और भानुबेन बावरिया का भी इस लिस्ट में नाम है। TV9 भारतवर्ष ने उनसे खास बातचीत की है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 15वीं विधानसभा के आज मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेने वाले हैं और उसमें एक नाम है महिला जो विधायक बनी है, भानुबेन बाबरिया उनका। भानुबेन, सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपको मंत्री कैबिनेट में आपको शामिल किया गया है। कितना आप अपने आप को मतलब आभार आप अपनी पार्टी का भी मानेंगी कि आप एक महिला हैं जिनको ये मौका दिया गया? मैं पहले तो हमारे देश के आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई शाह साहब, हमारे CM भूपेंद्र भाई पटेल, आदरणीय CR पाटिल सर और हमारी भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे जो मेरी पसंदगी की है उसके लिए मैं खुद को गौरवशाली मानती हूँ और आने वाले दिनों में पार्टी में जो काम दिया जाएगा, सरकार में जो काम दिया जाएगा वो हर हमेशा अच्छे से निभाने की मैं कोशिश करूँगी। साथ ही मेरा जो मत क्षेत्र है वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे जनता ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंकज, मौका है, अवसर है, गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल 2.0 आज बन रही है और एक तरह से ये ताजपोशी कई मायनों में खास है क्योंकि प्रचंड बहुमत आया है गुजरात में। और इससे जुड़ी जानकारियां भी बताइए जो शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई और मुख्य अतिथि तो आज प्रधानमंत्री मोदी ही होने। जी हाँ बिल्कुल, मुख्य अतिथि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस जीत के जो असली आर्किटेक्ट कहे जा सकते हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कल वो पहुंच गए हैं राजभवन में और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको खास बताऊं, जिस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से भी हो रही है
कि जो बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी जो 1977 से 2011 तक सबसे लंबी चली थी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत के मायने इसको देखा जाए जो 27 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है और जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है वहाँ बंगाल में, देखें तो 30% के आसपास का वोट शेयर था और यहाँ अगर देखें तो 50% से ऊपर का वोट शेयर ले गए हैं नरेंद्र मोदी अपने नाम पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुजरात में हिंदुत्व के प्रतीक नहीं बल्कि मोदीत्व चल रहा है। तो इस बार जो एक प्रयोग किया गया था पहली बार कि पूरे मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत हटा दिया गया था पिछले साल सितंबर महीने में, तो उसमें से कुछ मंत्रियों को इस बार शामिल किए जाने की चर्चा है और जो भूपेंद्र पटेल सरकार में कुछ मंत्री थे उनको ड्रॉप किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि युवाओं को मौका मिले, जैसे हर सिंह भी जैसे जो चेहरे थे जिनको पिछली बार की सरकार में भूपेंद्र पटेल सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे कुछ चेहरों को इस बार जिम्मेदारी दी जाएगी और आज एक खास मौका है। और इसीलिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हेमंत बिस्वा सरमा हों या योगी आदित्यनाथ, सब लोग इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। चलिए आप नजर बना रखें, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।